इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग परेशान हो गए। कई लोगों के बारे में हमने सुना, किसी ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, कोई ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर लेता है, कोई किसी भी प्रकार से उसे ये बर्दाश्त ना हो सका डिप्रेशन, और वो मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उनके जीवन में आध्यात्म प्रकाश नहीं था। यदि सत्संग करने वाला व्यक्ति थोड़ी ही सही, एक घड़ी आधी की पुनिया थोड़ी ही सत्संग करता है, तो मुझे विश्वास है कि वो व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि मानव का तन क्यों मिला है। बड़े बड़े जतन के बाद ये मानव का तन हमें मिला है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बहुत भाग्य से मानव का तन मिला है, यूं ही नहीं मिल गया। और मानव का तन पाकर भी यदि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कदम ना बढ़ाए गए, ये जीवन व्यर्थ है भक्तों। इसलिए मेरी प्रार्थना आपसे है कि कभी भी अपने जीवन का दुरुपयोग ना करें, कभी भी अपने समय का दुरुपयोग ना करें, और हर पल परमात्मा का, नारायण का चिंतन करते रहें। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस प्रकार की हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे ना, तो हर काल में, हर क्षण, हर पल, हर स्थिति में परमात्मा ही हमारे सहायक होंगे। हाँ, कई लोग ना कंफ्यूज हैं, भगवान को लेकर कंफ्यूज हैं। भगवान है नहीं है, है नहीं है, माने कि ना माने, माने कि ना माने, विश्वास करें कि ना करें। अरे भाई, श्योर परमात्मा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, केवल विश्वास जमाने की देर है आपको। और जिस दिन आप अपने आप को समर्पित कर देंगे ना गोविंद के चरणों में, उस दिन ये जो टेंशन है, डिप्रेशन है, समाप्त तो हो जाएगा। एक छोटा सा वाक्य हमें स्मरण आया है, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हाँ, हुआ क्या? हुआ यह कि एक दिन माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को लेकर यमुना स्नान करने चली गई। यमुना में बहुत भक्तों ने जाकर दीप दान कर दिया, दीपक। कोई त्योहार था श्रीधाम वृंदावन में, तो माँ यशोदा को लगा चलो आज यमुना में दीप दान करने चलते हैं। सारे लोग दीप दान करने चले आए। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, शायद इस कथा का संबंध आपके जीवन से हो। माँ यशोदा कृष्ण को लेकर दीप दान करने गई, और साथ में बहुत सारे ब्रजवासी और गोपियां भी गई, अर्थात बहुत सारे लोग गए। और जब वो दीप दान करने लगे, तो हजारों दीप यमुना में बहने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे लेट गए, और अपने एक हाथ से दीपों को उठाते, जो दीपक बहता था उस दीपक को उठाकर कृष्ण उसे दीपक को निकालकर अपने पास रख लेते। तभी माँ यशोदा की नजर पड़ी, और यशोदा ने कहा बेटा, ये दीपक को क्यों उठा रहा है, क्यों निकाल रहा है? तब कृष्ण ने कहा कि माँ, ये दीप डूब रहे हैं, इस भंवर में फंस कर ये डूब रहे हैं, तो मैं इन्हें डूबते हुए को बचा रहा हूँ। यशोदा ने कहा लाला, इस यमुना में लाखों दिया बह रहे हैं, तो किन किन को बचाएगा? तब कृष्ण ने कहा माँ, मेरे हाथ के पास से जो गुजरता जाएगा, उन्हें तो बचाता जाऊंगा, और जो मुझसे दूर रहेंगे, उनकी मैं क्या गारंटी लूं? अर्थात जो मेरे पास से गुजरेंगे, मैं उन्हें डूबने से बचा लूंगा, और जो मुझसे दूर होके निकलेंगे, उनके तो फिर वो खुद ही जिम्मेदार होंगे। बस भक्तों, हम सभी भगवान के चरणों से यदि होकर गुजरें, तो भगवान हम सभी पतितों को पावन कर देंगे, ये मुझे विश्वास है। हाँ, मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि मैं अपने योग बल से, ज्ञान बल से, भक्ति बल से परमात्मा को पा सकता हूँ, परंतु यदि उनकी कृपा होगी, अकारण करुणा वरुणाला, इसलिए तो उनको कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं।
हाँ, भगवान अकारण करुणा करने वाले हैं। भगवान कोई योग्यता नहीं देखते। यदि भगवान भक्त में कोई योग्यता देखते तो बताइए उस वैश्या में कौन सी योग्यता थी जिस वैश्या को भगवान ने अपनी कृपा से तार दिया। गणिका को तारा उस गजेंद्र नाम के हाथी ने कौन सा पुण्य किया था, कौन सा जप किया था। यदि भगवान गुण देखते तो बताइए क्या उस हाथी को तारते। तो भगवान ना तो भक्तों के गुण देखते हैं, बस पता नहीं भगवान को भक्तों की कौन सी बात अच्छी लग जाती है, पता नहीं कौन सी छोटी छोटी बातें भगवान नोट कर लेते हैं और भक्तों को दर्श दे देते हैं। हम में कोई बल नहीं है, ना ज्ञान बल है, ना वैराग्य बल है, ना योग बल है, ना तप बल है, कोई बल नहीं। हम कैसे हैं? हम शून्य हैं, जीरो हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। परंतु हम उस यमुना में बहते हुए प्राणी हैं, परमात्मा कृपा करेंगे तो जरूर पकड़ में आएंगे और हम डूबते हुए को परमात्मा अपने चरणों में रख लेंगे। इसलिए कहता हूँ कि उनका स्मरण करिए, उनका चिंतन करिए, उनके चरणों में रहिए, फिर माया का बंधन, माया का जाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा।